उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित लोहा घाट एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। लोहा घाट के पास एक बंगला है जिसे मुक्ति कोठारी के नाम से जाना जाता है। यह बंगला अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। मुक्ति कोठारी का इतिहास 19वीं शताब्दी से शुरू होता है। इस समय यह बंगला एक ब्रिटिश परिवार के स्वामित्व में था। बाद में इस बंगले को एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया। 1920 में एक डॉक्टर इस हॉस्पिटल में आया। वह एक अत्यंत कुशल चिकित्सक था, लेकिन वह एक रहस्यमय व्यक्ति भी था। वह अक्सर अपने मरीजों के बारे में भविष्यवाणियां करता था। वह बताता था कि कौन सा मरीज कब मर जाएगा। डॉक्टर की भविष्यवाणियां हमेशा सच होती थीं। कुछ लोगों का मानना था कि डॉक्टर के पास जादू या भूत प्रेतों की शक्ति है। एक दिन एक मरीज ने डॉक्टर से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा कि वह अगले दिन मर जाएगा। मरीज ने डॉक्टर की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन सुबह मरीज की मृत्यु हो गई। इस घटना ने लोगों को और भी अधिक भयभीत कर दिया। कहा जाता है कि डॉक्टर ने अपने मरीजों को मारकर उनकी आत्माओं को मुक्ति कोठारी में कैद कर लिया था। इन आत्माओं को आज भी मुक्ति कोठारी में भटकते हुए देखा जाता है।